बेसन में ये एक चीज मिलाकर लगाई तो चेहरे की काली परत साफ होकर चेहरा गोरा सुंदर और चमकदार होगा। हाय आई एम नैना एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी सीक्रेट सिंधी। तो गाइस आज मैं आपको बताऊंगी उन लड़कियों के लिए ये बहुत ही स्पेशल मास्क होगा जिनकी स्किन बहुत ही ज्यादा रिंकल्स फाइन लाइन से भरी हुई है, स्किन पर बहुत ज्यादा डलनेस है और बिल्कुल भी चमक नहीं है। वो अगर बेसन के साथ में ये दो तीन चीजें मिलाकर के अपनी स्किन पर लगा ले तो स्किन बहुत ज्यादा सॉफ्ट, हेल्दी, टाइटन और ब्राइटन हो जाती है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों जब मैंने इस पैक को अपने फेस में यूज किया तो मुझे काफी अच्छा रिजल्ट मिला इससे और ये बहुत ही नेचुरल होता है, हाइड्रेटेड होता है। इस मास्क को प्रिपेयर करने के लिए आपको यहाँ पर हाफ बनाना लेना है। इसको कुछ इस तरह से आप कट कर लेंगे, इसको पील करके एक बॉल के अंदर निकाल लीजिए। बनाना के अंदर होता है दोस्तों एंटीऑक्सीडेंट्स प्रॉपर्टीज जो कि रिंकल्स फाइन लाइंस को दूर करने के साथ साथ आपकी स्किन को सॉफ्ट एंड हाइड्रेटेड बनाता है। ये बहुत ही ज्यादा माइल्ड होता है एंड ऑल्सो आपकी स्किन में एक जेल बेस मास्क का काम करेगा। ये आपकी स्किन को काफी ज्यादा सॉफ्ट एंड हाइड्रेटेड करने में हेल्प करता है। तो इसको आप अच्छी तरह से क्रश करेंगे, एक स्पून की मदद से आप इसको बिल्कुल पैक फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे और उसके बाद में आपने इसके अंदर ऐड करना है एक चम्मच शुगर, दो चम्मच आपने इसके अंदर ऐड करना है ग्रेम फ्लोर यानी बेसन। चीनी जो होता है एक्सफोलिएशन का काम करता है, इसी के साथ बेसन आपकी स्किन से काली परत को हटाने, ऊपर की जो डेड स्किन है, जो काली परत है, उसको साफ करने का काम करती है। अब इसके अंदर डालेंगे दो से तीन चम्मच रॉ मिल्क। इसको सभी चीजों को प्रॉपर अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए, गांठे और लम्स नहीं रहने चाहिए, पैक बहुत ही स्मूथली आपका बन जाए। तो ये देखिए कुछ इस तरह से आपका पैक तैयार हो जाएगा। फ्रिज के अंदर आप इसको रख लो, आप इसको दो से तीन बार यूज कर सकती हैं। मैं आपको बताऊं अगर टीनेज से लेकर 25 ईयर की गर्ल्स भी इसको यूज करती हैं तो उनके लिए भी इसका रिजल्ट सेम ही रहता है। ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। अगर आप 25 तक जा चुकी हैं तो आपके लिए ये जो मास्क है बहुत नीडफुल है और बहुत इफेक्टिव भी, क्योंकि देखिए जैसे हमारी बॉडी को खाने की नीड होती है एनर्जी के लिए, वैसे ही हमारी स्किन को चमकने के लिए और उसमें ब्राइटनेस बरकरार अगर आपको रखनी है तो उसको भी एक नेचुरल डोज देनी पड़ती है और जिसके लिए ये नेचुरल डोज आपकी ऊपर की जो स्किन है उसको मिल सकती है इस पैक की मदद से, क्योंकि इसमें बिल्कुल नेचुरल चीजें हैं जो जब आप इसको अप्लाई करते हैं तो ये चीजें आपकी स्किन को हाइड्रेट करती हैं और साथ ही साथ आपकी स्किन इन सभी इंग्रेडिएंट्स को खा लेती है जिससे कि वो काफी ज्यादा हेल्दी दिखाई देती है। इसको यूज करने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले स्प्रे की हेल्प से आपने क्या करना है, स्प्रे करना है स्किन को किसी भी अच्छे टोनर से और उसके बाद में आप इसको स्किन को साफ कर लें और अप्लाई करें इस मास्क को 20-25 मिनट्स के लिए, इसको लगा रहने दें। और ये देखिए ये कुछ इस तरह से ड्राई हो गया है। मैंने इसको 5-10 मिनट्स के लिए रखा और अभी ये थोड़ा सा गीला है बट अभी हम इसको निकाल सकते हैं अपनी स्किन से। तो गाइज आप इसको वीक में 3 times या रेगुलर बेस पर यूज कर सकते हैं क्योंकि बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है, इसमें कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट यूज नहीं किया गया जो कि स्किन को हार्श करे। तो ट्राई करना और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।